नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। पहलवानों और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बीच चल रहे दंगल पर एक एक कर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कई विपक्षी दल पहलवानों के साथ खड़े हैं, तो हाल ही में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहलवानों को लेकर ऐसी बात कही जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। क्या कहना है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बाराबंकी जिले के जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों का बखान करते हुए कहा उनका कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, तो वहीं पहलवानों के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो फेक है। इस अवसर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के अलावा जिला प्रभारी और पीडब्ल्यूडी मंत्री, राज्य मंत्री सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर गिनाते हुए बड़ी उपलब्धि बताई। साथ ही मनोज तिवारी का पहलवानों के प्रदर्शन पर कहना है कि राजनीतिक लोग आकर पहलवानों के मुद्दे को कभी कभी डिस्प्यूट कर देते हैं। एक किस्सा सुनाते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि एक दिन वो और पीटी उषा पहलवानों से मिलने जंतर मंतर गए थे। पीटी उषा उनसे पहले वहां पहुंच गई थी तो उनके साथ वहां मारपीट की गई। पीटी उषा को पहलवानों ने नहीं मारा, बल्कि वहां अराजक तत्वों ने उन्हें मारा पीटा। उन्हें किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। उस मामले में कार्रवाई हो रही है। साथ ही पहलवानों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता वाला वीडियो फेक है। वहीं आपको बता दें कि पहलवानों और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बीच चल रहा दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद इन आरोपों को सरासर गलत बता रहे हैं। तो देखा आपने, एक तरफ विपक्षी दल डटकर पहलवानों के साथ खड़े हैं, वहीं किसान संगठनों का भी पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, तो बीजेपी नेता भी ब्रजभूषण के पक्ष में बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहलवानों के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता वाले वीडियो को फेक बताया है। अब देखना यह है कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है और वो सच्चाई कब तक सामने आएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।